हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जहां पे बात की गई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उस पर जो है काम किया जाएगा बहुत रिलायबल सप्लाई चेन जो है बनाई जाएगी लेट्स अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग

रेलिवेंट होती है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए लिथियम चाहिए तो लिथियम बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है फॉर एनी इकोनमी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है इन जनरल भी अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं आजकल रिन्यूएबल्स की तरफ जाना चाहती है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाना चाहती है तो इसके लिए लिथियम कोबाल्ट जैसे जो मिनरल्स हैं दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट तो बेसिकली अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है जस्ट दैट दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी इकॉनमी राइट जितना आप टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना आएंगे ये मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये जो मिनरल्स हैं ये मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा बेस्ड ऑन दी स्ट्रेटजिक कंसीडरेशन बेस्ड ऑन दी इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द कंट्री हर कंट्री जो है अपनी खुद की लिस्ट बना सकती है लेकिन मोर ऑर लेस जो है ये सारे के सारे जो uh, मिनरल्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट सेम ही होती है हाँ कुछ डिफरेंट कंसिडरेशन हो सकते हैं लेकिन द पॉइंट मी की कंट्रीज जो है अपनी खुद की लिस्ट जो है बना सकती है सो देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स बस जो आपकी कंट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपको टेक की तरफ लेके जा रहे हैं जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो जो है क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं और आप एज अ कंट्री अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं दैट्स इट ठीक है जी चलिए नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम की मैंने बात की कोबाल्ट ग्रेफाइट ये भी यूज किए जाते हैं टू मेक uh, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की जो बैटरीज होती हैं। और सिर्फ यही सेक्शंस नहीं है आप देखोगे डिफेंस कम्युनिकेशन एरोस्पेस सब में ही इनका बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है जी चलिए सो अबाउट द इंट्रोडक्शन नाउ वाई आर दीज रिसोर्सेज क्रिटिकल देखिए क्रिटिकल होने का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि दुनिया जो है अपनी ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी इसको स्केल अप करना चाहती राइट right? जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात की जिसके लिए लिथियम कोबाल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मूव टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी इसके अलावा जो और कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मिनरल क्रिटिकल हो जाते हैं रिसोर्स क्रिटिकल हो जाते हैं सबसे पहली है इनकी अवेलेबिलिटी ना द अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू लेट्स से सर्टेन ज़ोन्स इसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लिथियम ट्रायंगल राइट तो साउथ अमेरिका की तीन कंट्रीज एबीसी से याद रखेंगे आप मैंने बहुत बार इसकी बात की है अर्जेंटीना बोलीविया एंड Chile ये तीन ऐसे जोन्स हैं जहां पे मेजॉरिटी लिथियम जो है दुनिया का कॉन्सनट्रेटेड है यही पे माइनिंग हो रही है रादर चाइना जो है बहुत ज़्यादा लिथियम माइनिंग करता है इस रीजन में चाइना के पास बहुत सारे राइट्स हैं यहाँ रादर का मैं थोड़ा करंट से भी इसे जोड़ने की कोशिश करूँ इंडिया ने भी रिसेंटली जो है यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशंस लेने की बात की है अवेलेबिलिटी बहुत स्पेसिफिक है नेक्स्ट डिमांड बहुत बढ़ रही है क्योंकि दुनिया जाना चाहती है रिन्यबल्स की तरफ प्लस इनकी जो प्रोसेसिंग चेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है प्लस आप मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है जियो में चेंजेस आते हैं तो इनका जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होता है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम समझते हैं सो so, चाइना के पास मेजॉरिटी क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है राइट right? माइनिंग की भी और प्रोसेसिंग की भी अब मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर एल पे कुछ इशूज हो जाते हैं तो चाइना से आने वाला जो सामान है जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं डेफिनेटली उसका सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट होता है जो कि हुआ भी था जब पिछले

यही नहीं प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स राइट आप देखेंगे लिथियम कोबाल्ट निकल इन सब की प्रोसेसिंग भी majority कहा हो रही है चाइना में हो रही है तो चाइना का होल्ड ऑन क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही ज्यादा है सिमिलरली जैसे मैं आपको बता रही थी कि चाइना ने मिनरल्स जो अपने सोर्स किए हैं बहुत सारी माइन्स डिफरेंट रीजन में भी है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था कि जो लिथियम ट्राइंगल है वहां पर बहुत सारी ऐसी माइन्स हैं जो कि चाइना कंट्रोल करती है रादर कॉन्गो में भी आप देखोगे बहुत सारी कोबाल्ट माइन्स हैं जो कि जहां से सामान जो है चाइना की तरफ जाता है अगेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 2010 में जापान के साथ चाइना का कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट था तो चाइना ने जापान की तरफ जो क्रिटिकल uh, मिनरल्स थे वो भेजने जो है कम कर दिए तो एक्चुअली क्रिटिकल मिनरल्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गए और ऑलमोस्ट एक साल लगा फॉर द प्राइसेस टू कम टू नॉर्मल राइट सो ऑल आई एम टू टेल यू कि चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेट है पूरी की पूरी आपकी क्रिटिकल मिनरल्स की इंडस्ट्री के लिए बिकॉज मेजोरिटी क्रिटिकल मिनरल्स जो है यहां पे इनके पास माइन हो रहे हैं या इनके पास राइट्स हैं या इनकी प्रोसेसिंग की भी वैल्यू चेंज यहीं पर एग्जिस्ट करती है. ठीक है ओके okay. नाउ अब दुनिया इसके बारे में जो है अवगत है ऐसा नहीं है दैट पीपल आर नॉट अवेयर सो डिफरेंट कंट्रीज आर टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स यूएस से शुरू करते हैं द आर्टिकल टॉक्ड अबाउट यूएस सबसे पहले कि रिसेंटली यूएस ने एक रिव्यू किया कि कहाँ कहाँ हम वालेबल हैं जब भी हम क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन की बात करेंगे वॉट दे रोलाइज वॉज कि दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन फॉरन रिसोर्सेज तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक शिफ्ट किया कि उन्होंने फोकस किया कि हम डोमेस्टिक माइनिंग पे डोमेस्टिक प्रोसेसिंग या रिसाइकलिंग पे काम करें सो so दैट जो ओवर डिपेंडेंस है ओवर फॉरेन कंट्रीज वो जो है कम हो जाए अब कब होगा ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिवाइस किस तरह से चेंजेस होंगे ये तो समय ही बताएगा लेकिन एटलीस्ट दे हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ स्टेप आप इनको एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं सिमिलरली इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में जो काबिल है जैसे कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कहते हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि इंडिया को क्रिटिकल या स्ट्रेटोजिक मिनरल्स कहाँ से लेने चाहिए इंडिया को किस तरह से इनमें डील करना चाहिए काबिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली काबिल जो है लीथियम ट्राइंगल की तरफ कुबाल्ट और लीथियम की लेट्स से माइनिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहती है तो इंडिया भी पैरली अपने स्टेप्स ले रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेंटली जो है यूके ने अनवील किया है अपना क्रिटिकल मिनरल्स इंटेलिजेंस सेंटर जो कि स्टडी करेगा कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई में जो है चेंजेस आएंगे और यूके से यूके को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं यूएस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी राइट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि चाइना को काउंटर करना जरूरी है तो इन तीन कंट्रीज ने भी एक इंटरक्टिव मैप बनाया है अपने क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट्स का सो so दैट गवर्नमेंट्स को हेल्प हो सके टू डाइवर्सिफाई देयर क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज एंड फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक एमओ यू साइन किया है जहाँ पर वो बात कर रहे हैं रिलायबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडिया के बारे में और इसी पूरी न्यूज़ को लेके जो है इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में ये आर्टिकल था और जहाँ पे इन सभी चीज़ों की बेसिकली बात करी हुई थी सो so, बहुत ही सिंपल आइडिया है आपको पता लग गया क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं आपको पता लग गया कि चाइना का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे राइट प्लस यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दुनिया स्टेप्स ले रही है किस तरह के स्टेप्स ले रही है अब आपको उसके बारे में भी पता है तो इन सभी जो चीज़ों को आप अपने डिफरेंट आंसर्स अपने एसेज में जो है कोट कर सकते हैं तो इसी तरह से जो है आपके लिए डिफरेंट न्यूज आइटम्स जो है लाते रहेंगे राइट right? और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वी डू हैव अ करेंट अफेयर्स प्रोग्राम रजिस्टर फॉर इट फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्स द डेमो लेक्चर्स और आप देखेंगे कितनी डिटेल में आपसे वहाँ पर चीज़ें डिस्कस होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑलवेज से अपने वीक एरियाज पे काम कीजिए जो सब्जेक्ट आपको लगता है वीक है उस सब्जेक्ट का कॉन्टेंट उसके करंट अफेयर्स सारा कुछ जो है अवेलेबल है आस्क फॉर डेमोलेक्चर्स डेमोलेक्चर्स देखिए और फिर जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आई एंड दोस्तों ऑल द बेस्ट आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टूडे बाय